छोड़ने आया हुआ था। सो गाइस गौरव भैया ने हमें छोड़ दिया। अच्छा मैं छोड़ने वो आया था क्या, तू लोग मिले रहा है। सो गाइस गौरव भैया ने हमें स्टेशन छोड़ दिया है, भोपाल स्टेशन। थैंक यू गौरव भैया, है ना, मिलता हूं ना। हां ठीक है, आराम से जाना एकदम, है ना। ठीक है आदि, आराम से जाना। ठीक है अभिषेक, जाओ जाओ। गाइस तो बोलने के मूड में हूँ नहीं, लेकिन बोलना चाहूँगा आपसे। हमारी ट्रेन थी 4:25 की और अभी हमें बच चुके हैं 2:40 से ऊपर, मतलब कि 12 घंटा डिले है। सो गाइस S21 के ऊपर जितने मोबाइल है सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम रात में प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और देख रहे थे कि कौन सा कोच किस साइड है, तो मैंने 100x जूम किया और A1 देखा, हमारा A1 कोच है, A2 है शायद, देखा कि भाई इस साइड है, मतलब यहाँ से कम से कम 100 मीटर की दूरी पे होगा। तुम्हें रील्स खिंचाने वालों, ये हमारे अभिषेक भाई डांसर आ चुके हैं। पतली कमर एक नंबर, टांगे एक नंबर, तो क्या देख रहे हो गाइस, बोलो करो, लाइक करो। तो गाइस तो हम पूरी रात सोने के बाद अब उठे हैं और बहुत प्यारी सी धूप आ रही है। दित्या को देखो मजा आ गया, छोटे जंक्शन पे रुकी है, नाम पता नहीं क्या है, कहाँ नंदगांव कुछ करके है। तो अभी भी हमें टाइम है, हम बहुत कितने दिन पहुंचे, एक दिन पूरा, अभी कल शाम में पहुंचे, कल शाम में पहुंचेंगे, यानी कि पूरा एक दिन फिर ट्रेन में बिताना है ना। तो कोहरा बहुत रहता है तो ट्रेन डिले बहुत हो जाती है, लेकिन मजा आ रहा है, मस्त सेकंड ऐसे ट्रेन। फोटो खींचो यार, चलो फोटो खींचते हैं, आपसे बाद में मिलते गाइस। अभी आउटर में रुके थे तो हमें देखिए एक पेड़ दिखा आम का, उसमें अभी ठंड के मौसम में आम लगे हो, दिख रहे हैं, मतलब साउथ इंडिया में ठंड के मौसम में भी आम है भाई, सोचो भाई। मजा आ गया देख के, मन हो रहा था तोड़ने का, लेकिन थोड़ा सा दूर था और ऊपर थे आम। हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं एर्नाकुलम और हमारा स्वागत कर रही है ये, मतलब मजा कर रहा हूँ। निकलते थोड़ी देर, हमारा ड्राइवर वेट कर रहा है बाहर, चलते हैं अगले सीन में मिलते हैं। मैंने अभी उससे पूछा इन विच यू आर प्लेटफॉर्म इन, या फिर कुछ भी बोल दिया मैंने, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था उससे। वो इसी साइड वाला, साउथ साइड वाला है जो ड्राइवर है, तो उसने कहा कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं, एक नहीं आम फिर बोला, फिर क्या कि अपोजिट, मैंने कहा तो हाँ अपोजिट। सो गाइज गुड मॉर्निंग, तो आई होप सब आप लोग उठ गए होंगे और लोग देख रहे तो उठे ही होंगे। रात में हम लोग लेट हो गए थे, आदित्य रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ पे, और बैटरी भी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, तो हम ब्लॉग थोड़ा भी स्टार्ट नहीं कर पाए। तो अभी हम वापस उठ गए हैं, नहा धो लिया है, पैकिंग वैकिंग हो गई है, जो वापस रखना था सामान, अब जा रहे हैं वापस, शो स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी भाई को प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर थोड़ा तेल वेल नहीं है और पाउडर भी नहीं है, वैसे लगाता तो हूँ ही मैं, क्या करें। ये देखो ये है रूम, ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस तो अभी हम बाहर आए, व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो मज़ा ही आ गया, धूप भी बहुत प्यारी आ रही है। ये देखो भाई, जब से साउथ में आना स्टार्ट हुआ है ना, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, केले के पेड़ दिख रहे हैं। प्रैक्टिस चल रही है कुछ लोगों की, ये IGT में जो आया था आदि के साथ। तो बस आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अभी, मस्त फोटो वोटो खींच लिए एक नंबर। प्रैक्टिस डन, फुल पावर, पसीना सब आ चुका है, 3 बार ड्रिल किया फिलहाल पूरा, बाकी प्रैक्टिस की थी।
अभिषेक भाई ने हमारा पूरा डांस देखा, मजा आ गया करके। अरे अभिषेक भाई बैग तो उतार के संदा रुक रहा होगा, भूल जाता हूँ ना इसलिए टांग के रखा है। तो बोलने की दिक्कत ही खत्म। बात तो सही है। कोई भी कहीं चीज़ हमारी छूटी, यानी कि ये एक कार्ड दिया इन लोगों ने, ये छूटा तो हम अंदर जा ही नहीं सकते फिर इस साइट में। अभी हमने एक बंदे से पूछा, वो वहाँ पे बैठा है तो, और उसको हिंदी नहीं आता है लेकिन हमें हिंदी आता है। मुझे एक्चुअली मुझ पर थोड़ा मुझे शर्म करनी चाहिए क्योंकि मैं जिस शो में आया हूँ मुझे उसका नाम ही नहीं पता, मुझे किसने अच्छे से बताया नहीं, तो यहाँ का तो तेलुगु पता नहीं कौन सा मलयालम लैंग्वेज है तो मुझे और समझ में नहीं आता है। तो अभी मैंने उससे पूछा प्यार से, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए भाई मैं किस शो में और किस चैनल पर डांस करने वाला हूँ। चैनल का नाम है मनोरमा, वो लिखा है मनोरमा, एंड जो शो का नाम है उसका नाम है टीडीलम टीडीलम, ठीक है। तो गाइस तो आदित्य को सर भूत बना रहे हैं, मेकअप हो रहा है। बहुत कम जोकर ज्यादा लग रहा है, बस जजेस और ऑडियंस जाननी चाहिए। ये वो देखो 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 गाइस, भूत को बाथरूम करते हुए देखा है, लोगों की जो बाथरूम छुड़वाता है वो बाथरूम कर रहा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। सो गाइस ये हमारा संदूक है, इसके इसमें से हमको बाहर निकलना है, थोड़ा सा क्रिएटिव है, मजा आएगा। गाइस हमने शूट डन कर दिया, जैसे कि आप जो सेट वेट देख सकते हैं, और पहला टेक दिया फिर दूसरा टेक दिया क्योंकि क्लोजअप शॉट्स भी लेने थे। अभिषेक देख रहा था कैसे लगा अभिषेक? हाँ भाई बहुत खतरनाक है, बट जजेस तो ऐसे डर गए थे ना, क्या बताऊँ मैं, मैंने तो पहली बार देखा ये सब। अरे भाई हाँ इसने सेट वेट पहली बार देखा, मेरे को भी डर लगा था क्योंकि यहाँ का जो सेट है ना पूरा भूतिया बना रहा है जजेस पूरी, मतलब उनका उनने तो मुझे अपने दिल पे भी हाथ रखवाया है, देखो मेरी धड़कन। हाँ सच में एग्जैक्टली, और सच में डर गई, मैं उनके पीछे उल्टा होकर भागा तो उन्होंने मुझे डराने को कहा था, तो भाई बहुत ज्यादा हार्ड सीन हो गए इस बार के। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो भाई ये खूना खान धोते हैं पूरा, बहुत कर रहा बनाया लेकिन भाई मेरा सर आपका छिन रहता है। ओ छोड़ो भाई, तो देख लो भूत अपने हाथों से अपना मेकअप निकाल रहा है। बहुत खतरनाक ठंड है, अभी तक ठंड नहीं लग रही थी, अब ठंड लग रही है ये देखो। वो पानी साला ऐसा लग रहा खट्टा खट्टा, अब क्या टेस्ट है क्या बताऊं मैं, इसलिए जल्दी से निकल आए हम, इसे भी ठंड लग रही थी। ये साले ने भी मतलब उठा दिया सुबह 6 बजे और नहलवा दिया। अरे मेरे तो वो चुल थी ना अंदर थोड़ी सी। इसके अंदर चुल थी। चल चलो 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 ஆ
अभी कुछ ही 15 या 20 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर थोड़ा काला काला है, ये देख सकते हैं आप, तो उसको साफ करवाएंगे हम लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जाके मुझे मुड़ के बैठना है। So guys, आज हमारे आज हुआ है पार्वती मैम जिनने हमें पर्सनली कैश मनी दिया, अमाउंट नहीं बता सकता मैं, लेकिन उनने जो मनी दिया मुझे उससे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि पार्वती मैम ऐसे ही किसी को नहीं देती है मनी, उन्होंने अपना पर्सनल मुझे दिया मनी, तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए। और मैम भी कह रही थी मैं इस सारी चीज़ों पर इंटरनेशनल परफॉर्म करूँ और सारे जजेस खुश थे, और मतलब कि माहौल एक नंबर, मतलब ऐसा लग रहा था भाई है अपने दम यार, बहुत मजा आया यार, बहुत मजा ही आ गया भाई। और ये जो लुक्स है ना, ये जो स्टाइल करी इसने अभी, उसमें भी उसको भी देख के बहुत मजा आ गया। ये डांस तो मैंने भी नहीं देखा था एक्चुअली, यूट्यूब पे डाला तो भी नहीं देखा है यार, एकदम क्या देखते हो भाई, चैनल में जाओ वीडियो देखो, तुम्हें ये परफॉर्मेंस भी मिलेगा जो मैंने यहाँ किया है। पर ये अब तुम्हें डायरेक्ट बड़े टीवी शो के चैनल पे, पर एक बात है जजेस जो बोलते हैं मुझे तो घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे ही बोल रहे होंगे। नहीं उन्होंने कहा था अच्छे ही बोल रहे भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा वो बात अलग है, पर तेरे बारे में हम अच्छे ही बोल रहे हैं। चलो गाइस, अब ये प्रोग्राम हो चुका है, इसका रीटेक भी हुआ ना, एक 7 बजे होगा, फिर हम निकल जाएंगे भोपाल, सॉरी मुंबई के लिए, फिर मुंबई से ट्रेन रहेगी हमारी भोपाल के लिए, और हम यहाँ से फ्लाइट में जाने वाले हैं। ओके, देखना कितना वो बचा है। स्टिल भाई हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बट नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो सेकंड परफॉर्मेंस था वो खत्म हो चुका है, हम लोग अभी बाथरूम में जल्दी जल्दी चेंज करा लो, मैं तभी थका नहीं हूँ क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। जो लोग मैं देख चुका था वो सेकंड बार देख रहा, तब भी उन्हें तालियां सीटियां बजी, मैं क्या बात हूँ यार, मज़ा आ गया। लेट्स सो हेलो गाइस, अभी बज रहा है रात के 11 और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, और सबसे बेस्ट चीज ये अभी होने वाली कि मैं इस मेकअप से एयरपोर्ट में एंटर करूंगा, देखते हैं क्या होता है, गार्ड मुझे अंदर जाने देता है कि नहीं। सो निकलते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं उन लोग का एक्सप्रेशन क्या होते हैं। गाइस मैं तो पहली बार फ्लाइट में बैठा हूँ, पता नहीं हो सकता है डर लगे। हाँ ये भी है, लेट्स सी, लेट्स सी, बैठेंगे मस्त। सो गाइस मिलते हैं ना, बाय, गुड नाइट। तो गाइस तो आ चुका हूँ मैं एयरपोर्ट, और आदित्य भाई वो देखिए वहाँ खड़े हुए हैं, इनको जूम करके बताते हैं अपन। ये देखो अभी तक आदित्य ने मेकअप नहीं उतारा है, तो अंदर नहीं आने दे रहे थे आर्मी वाले, और बोर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर पता नहीं कैसा क्या झुलम झाल करके अंदर आ गया। तो अभी अपन मिलते हैं अगले सीन में। भाई कैसे आ गए अंदर? अरे बहुत दिक्कतों से आए, थोड़ा सा चटक भी गए थे मेरे पे, लेकिन आए, बताया मैं YouTube पे। चलो अच्छा, मैंने भी बता दिया कीड़ी लम से आया। शो से तो वो पूछ रहे थे एक पिक्चर देखी और बहुत अच्छी थी पार्किंग, जिससे हमने बहुत ह्यूमैनिटी एक्चुअली सीखने को मिलता है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं मुंबई, एंड बस स्टार्ट हो रहा है चेक इन, एंड बस निकल रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग सोए भी नहीं है, मूवी देख रहे थे, लिटरली भाग के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सच बता रहे आ रहे हम लोग, और वीडियो बनाने लग जाते बीच बीच में। भाई मैं चाहूँगा कि आप लोग को ये मेरी काली आंखें हो रही है, आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट सीट तक आपकी देखभाल करेगी, आपकी सेवा में वो प्रस्तुत है, हमें बेहद खुशी है की हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके, प्रस्तुत है आपके लिए एंटीबायोटिक को, धन्यवाद।
लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। हेलो भाई, क्या हो गया था? मजा आ गया है। अभी हम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और मेरे बहुत काम के यार वो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है ना, तो हमारे लिए वो मेरे लिए तो ये बहुत आसान था। अच्छा हो गया, हाँ मजा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, थोड़ा तो दर्द ना। तो गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं मुंबई और अभी हम ऑटो की सवारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, आवाज़ सही है। मैं एक नंबर है, लोगों ने कहा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। अभी हम जा रहे हैं वादी में, तू बता, मेरे को पता नहीं है। मरीन लाइन जा रहे हैं अभी, वहाँ पे अभिषेक को हम मेन लोकेशन दिखाएंगे जो मेनली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फेमस होती है। पत्थर वत्थर रखे रहते हैं बहुत सारे, पर उसमें जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन चले आते हैं अभी। और मस्त व्यू रहता है वहाँ का, तो हम लोग बस देखेंगे। मुंबई, तो गाइस तो अभी मुंबई की हम लोकल ट्रेन में देखिए कितनी भीड़ होती है। हम अपने इधर की रेड बस से ज़्यादा भीड़ होती है। गाली वाली सुनने को मिलती रहती थी। ये नाखून ही खुदता रहता है यार, आदत है मेरी। सो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मरीन ड्राइव पे और ये देखिए पूरा समुद्र। और ये प्लेस तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। और ये पुलिस वाला सबको हटा रहा है, सबको लवेरिया चढ़ा हुआ है, आदि का मुंह पता नहीं क्यों उतरा हुआ है। अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओ, लोकल ट्रेन में बैठ के बहुत दिमाग खराब हो गया, गर्मी भी बहुत लग रही है यार, खतरनाक। सो ये पहली बार तो सोए नहीं। हाँ यार, कल पूरा दिन सोए नहीं अपन, शायद 5 घंटा सोए, फिर उठे, फिर उसके बाद अभी तक सोए नहीं, बीच में 2 घंटा सोए। दो घंटा कुछ नहीं सोए, 2 घंटा इनका कुछ नहीं। भाई साहब बहुत थक गए, 2.5 किलोमीटर चल लिया इतनी गर्मी में। मुंबई में बहुत गर्मी है और अपने इधर तो ठंडी से पटकी होती है, तो तीन स्वेटर पहनते हैं यार अपन। जू बीच पे आए हैं, यहाँ को जा रहे, वहाँ को जा रहे, बीच में जा रहे, समुद्र में नहा रहे 2.5 किलोमीटर पे। सो हेलो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं सुरक्षता पूर्वक। और गौरव भैया हमें लेने आए थे, वो तो हम ब्लॉग में अभी ले नहीं पाए, घर पहुंच के ले रहे हैं। आंटी जी खड़ी हुई है और हमने अभी चाय भी पी थी फुलवारी पे, एकदम चॉकलेट वाली। चलो तो धन्यवाद ब्लॉग में बने रहने के लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।